अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ पे आने का। आई थिंक आज का जो मौजू है वो एक हमारे लिए बहुत अहम मौजू है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये बातें हमें बहुत आम लगती हैं, अपना ख्याल रखना। ये बात शायद आपको बहुत लोगों ने कहा होगा, आपने शायद अपने आप को कभी भी बोला होगा कि अपना ख्याल रखना, मगर ख्याल रखने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं और ख़ास तौर पे कुछ तरीके हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, ख़ास तौर पे हमारी ज़हनी सेहत। तो आज हम बात करेंगे अपना ख्याल रखने का, जिसको हम सेल्फ केयर कहते हैं, खुद एहतियात, और हम ख़ास तौर पे उस पर बात करेंगे कि हम उसको अपनी ज़हनी सेहत के हवाले से किस तरीके से लेके चल सकते हैं। शुरू करने से पहले चंद बातें मैं करना चाहूँगी कि हम एक ग्रुप सेटिंग में आज मौजूद हैं, तो हम कोशिश ये करेंगे कि आप जो भी बात कहना चाहें आप खुल के कहें। अगर मैं आपसे कोई बात पूछूं, कोई हम इंटरेक्शन भी रखना चाहेंगे सिर्फ, ना कि मैं सिर्फ बात करके चली जाऊं, मैं आपके नज़रिए को भी समझना चाहूंगी। और ख़ास तौर पे जो एक बहुत अहम बात है कि जो बातें हम आज शेयर करें ये एक सेफ जगह है। हाँ, यहाँ पर कोई जजमेंट नहीं है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। कोई भी बात अगर आप अपने हवाले से भी करना चाहें, इस चीज़ की फ़िक्र नहीं कीजिएगा कि मुझे कहना चाहिए या नहीं, क्योंकि हमारी ज़हनी सेहत का ताल्लुक अपने एहसासात के इजहार करने से भी है। और अगर हम एक आपको एक ऐसी जगह ना दे सकें जहां आप अपने एहसासात का इजहार कर सकें, तो ये पूरा प्रोसेस नामुकम्मल रह जाएगा। सो आज हम शुरू करते हैं एक सेफ स्पेस पे, जहां पर आप आज कुछ बातें मुझसे भी सीखें और मैं कुछ बातें आपसे भी सीखना चाहूँगी। तो आपने अभी एक छोटा सा क्वेश्चनर भरा था, कुछ सवालात उसमें लिखे थे कि सेल्फ केयर या खुद एहतियात या खुद का ख्याल रखने से क्या मुराद है, और क्या आप अपना ख्याल रखते हैं या नहीं रख पाते। ये भी एक बहुत अहम सवाल है कि क्या अपना ख्याल रखना चाहते हैं और नहीं रख पाते, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि ज़िंदगी ऐसी तेज़ी से गुजरती है कि हमें पता भी नहीं चलता है कि दिन कहाँ शुरू हुआ और दिन कहाँ ख़त्म हो गया, और आप सोचते रह जाते हैं कि मैं अपने लिए कप चाय पी लूँ सुकून से, और वो सुकून का वक्त शायद बहुत मुश्किल से मिलता है। और ये बहुत छोटी छोटी बातें, जैसे मैंने आपको शुरू में भी कहा कि ये बहुत आम बात लगती है, ये बहुत छोटी बात लगती है, पर ये बहुत अहम है, खुद के लिए वक्त निकालना। तो आइए हम आज इसके हवाले से कुछ बातें और मज़ीद करें, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं खुद एहतियात से मुराद आपके लिए क्या है। तो अगर मैं किसी से पूछूँ, कोई वॉलंटियर करना चाहे, आपके नज़रिए से सेल्फ केयर या खुद एहतियात क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि इसमें बहुत अच्छी बात आपके नज़रिए से क्या थी कि कुछ बातें आपने जिस्मानी सेहत के हवाले से की, जिसको हम फिज़िकल हेल्थ कहते हैं, कि अच्छी तरह सोना, अच्छी तरह खाना पीना, वो हमारी जिस्मानी सेहत के लिए होता है, और कुछ होता है हमारी ज़हनी सेहत के लिए, जो है अपने इन्वायरमेंट में जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर कोशिश करना कि जितना पॉजिटिव माहौल रह सके, या ऐसी कोई चीज़ करना जो आपके लिए रिलैक्सिंग हो या सुकून दे हो, ख़ास तौर पे आपकी पसंद की चीज़ें, कि मुझे क्या पसंद है। और खुद एहतियात के कुछ कदम हम वहाँ से उठा सकते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की अपने पसंद की कोई एक चीज़ करना, चाहे वो सिर्फ दिन के 15 मिनट के लिए क्यों ना हो, मगर वो 15 मिनट आपके जब अपने होते हैं बहुत दिली सुकून मिलता है, और आपके ना सिर्फ जहन को रिलैक्स करने का मौका मिलता है, आपके जहन के साथ साथ आपकी बॉडी, आपके जिस्मानी सेहत को भी रिलैक्सेशन मिलती है। क्या आप इस चीज़ से वैसे अग्री करते हैं, क्या आप इस बात को मानते हैं कि हमारी जहनी सेहत हमारी जिस्मानी सेहत से जुड़ी हुई है, या आपको लगता है कि वो दोनों अलग चीज़ें हैं? बिल्कुल, बहुत ये बहुत बहुत ये अच्छी बात आपने कही। कोई और कुछ कहना चाहेगा इस हवाले से, जो कि क्या आपको अपनी ज़हनी सेहत और जिस्मानी सेहत में कोई कनेक्शन नज़र आता है? बिल्कुल, चाहे आपकी
आठ या नौ घंटे की नींद क्यों ना पूरी हो गई हो, लेकिन अगर आपकी जहनी सेहत पे इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, आप शायद उस नौ घंटे के बाद भी उठेंगे तो आपको शायद फिर भी थकावट महसूस होगी। क्या कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ? मेरे साथ तो हुआ है ये बहुत होता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम कुछ बातें समझते हैं कि खुद एहतियात या सेल्फ केयर मुख्तलिफ तरीकों से की जा सकती है। और एक बहुत अहम बात यह है, हर इंसान के लिए खुद एहतियात या अपना ख्याल रखना मुख्तलिफ होगा। यानी जिस तरीके से शायद आप अपना ख्याल रखना चाहें वो आपसे मुख्तलिफ हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई चीज़ सही या गलत नहीं होती। हमें अपने आप को कभी कभार ये तसल्ली देनी होती है कि हम ये दो डब्बे बना लेते हैं कि ये सही है और ये गलत है, और हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि अपना ख्याल रखने में सही और गलत नहीं देखना चाहिए। हाँ, कोई ऐसी चीज़ हम ना करें जिससे हमें नुकसान हो, अपने आप को हमें नुकसान नहीं देना, मगर अपने आप को ये ज़रूर याद दिलाना है कि अगर मेरा बच्चा सो रहा है या अगर वो कोई काम कर रहा है, खेल रहा है, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके अगर मैं अपने लिए भी 15-20 मिनट लेट जाऊँ। हमें उस वक्त कभी कभार ये एहसास होता है कि अच्छा चलो अगर ये यहाँ पे मसरूफ़ है तो मैं ये काम कर लूँ, मैं वो काम कर लूँ, मैं इसको कॉल कर लूँ, ये सारे एकदम से एक लिस्ट जहन में आ जाती है। लेकिन अपने आप को भी उस लिस्ट में डालना एक बहुत अहम तरीका है सेल्फ केयर का। अपने आप को प्रायोरिटी देना, अपने लिए 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा दिन का अपने लिए लगाना, जिससे अगेन आपकी जहनी सेहत पे एक पॉजिटिव, एक अच्छा असर पड़े। उसमें आप किताब पढ़ सकते हैं, अगर आपको पढ़ने का शौक है, किताब पढ़ ली, अखबार पढ़ लिया, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें अगेन आपको अच्छा लगता हो। अगर आपको कोई चीज़ सुनना पसंद है, यूट्यूब पे अगर आपने अपनी पसंद की कोई चीज़ लगा ली या टीवी पे कुछ देख लिया, उस तरह की कोई चीज़। न्यूज़ में रेकमेंड करती हूँ वो सेल्फ केयर में बहुत ज़्यादा ना आए, क्योंकि हमारे यहाँ न्यूज़ में इतनी नेगेटिव चीज़ें होती हैं कि कभी कभार हम और परेशान हो जाते हैं। पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, ये इसकी प्राइस बढ़ गई, यहाँ पे कुछ हादसा हो गया, तो टीवी में भी कोई ऐसी चीज़ हो जो हल्का फुल्का, न्यूज़ बहुत हैवी हो जाता है। उसके अलावा अपनी पसंद की कोई चीज़ खाना, जैसे हमने चाय की बात की थी, अगर कोई चाय या कॉफ़ी या किसी भी और चीज़ का शौकीन है, अपने मर्जी से कोई चीज़ खाना पीना। जैसे अगर मैं एक सवाल सबसे करना चाहूँगी, कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपने अपने फैमिली वालों के लिए कोई खाने पीने की चीज़ लेकर आए हों, या तो बनाई हो या बाहर से लेकर आए हों, बच्चों को ये पसंद है, मेरी बीवी को या शौहर को या फैमिली के किसी और फर्द को ये चीज़ पसंद है तो चलो ये हम कर देते हैं। अपने आप से कभी सवाल किया मुझे आज क्या खाना है, क्या मुझे दिल चाह रहा है एक समोसा खाने का, या कोई भी चीज़ जो आपकी पसंद की हो, अपने आप पे तवज्जा भी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि फैमिली को नहीं लेके चलना चाहिए या इर्द गिर्द के लोग, आप बिल्कुल वो भी करें, वो भी एक जिम्मेदारी है, वो भी एक रिश्ता है जो आगे बढ़ता है, लेकिन उसके साथ साथ एक रिश्ता आपका एक और भी है अपने आप के साथ। आपका अपने साथ भी एक रिश्ता है जो हमें कायम रखना है, उसका भी ख्याल रखना है। तो पसंद की कोई खाने पीने की चीज़ पसंद हो ज़रूर करें। वर्जिश हो गई, जिम जाने का इससे बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपने वेट्स उठाने हैं या किसी मशीन पे भागना है। आप पार्क में जाकर या बाहर कहीं पे भी, अगर आपके घर के इर्द गिर्द कोई ऐसी जगह हो, वहाँ वॉक कर लें, खुली फिज़ा में निकलना, वो एक बहुत अहम चीज़ है। ख़ास तौर पे कोरोना वायरस के बाद जब हम लोग अपने घरों में बहुत ज़्यादा बैठ गए थे, तो फिज़िकली बाहर निकलना हमारा बहुत कम हो गया था, और उसका भी सेहत पर असर पड़ता है। इसीलिए मौके से बाहर खुली फिज़ा में भी जाना, रात को सोना, और अपनी पसंद की कोई भी चीज़ करना। तो दोबारा सबसे एक सवाल करती हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो ये चीज़ें कर पा रहे हैं और कितने हैं जो नहीं कर पा रहे? तो आप कर पा रहे? ओके, चलें, बहुत अच्छी बात है, वंडरफुल, ग्रेट। और कोई कुछ कहना चाहेगा कि कितने लोग, अच्छा चलिए ये पूछते, कितने लोग हैं जो करना चाह रहे हैं और कर नहीं पा रहे? ओके, चलें, बहुत अच्छी बात है, तो इन बिटवीन। अच्छा, कुछ लोग हैं जो दरमियान में, ना आर ना पार, ठीक है, वो भी सही है। सोचा तो हो पाया, सोचा तो हो पाया,
और यहाँ पे शायद एक बहुत अहम बात है, क्या हम सोचते भी हैं या नहीं? अगर सोच लिया तो शायद कर भी लेंगे, बट कितनी दफा होता है कि शायद जहन में से गुजरता भी ना हो, कितने ऐसे दिन शायद निकल जाए। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक। अगर हम आगे बढ़ते हैं इसी हवाले से, हमने मुख्तलिफ चीज़ों की अभी बात की, जिसमें से दो तीन बातें हैं जो मैं और शामिल करना चाहूँगी। एक तरीका अपने आप के ख्याल रखने का, और ये शायद एक ऐसा तरीका है जो बहुत लोग शायद नहीं शामिल करते। अगर कभी आपको कोई आगे से कोई कुछ कहता है कि ये कर लो, या ये एक बात है, जहन कहता है नहीं मुझे ये नहीं करना, नहीं दिल चाहता, लेकिन एकदम से प्रेशर फील होता है कि नहीं नहीं ये तो करना पड़ेगा, लेकिन किसी बात में हर दफ़ा हामी भरने से भी आपकी जहनी सेहत पे एक बुरा असर पड़ सकता है, तो कभी कभार किसी चीज़ को मना भी करना खुद एहतियाती में शामिल होता है। क्योंकि हर दफ़ा हर किसी के साथ आप हामी भरते रहेंगे, ख़ास तौर पे अगर आपके वो ख़िलाफ़ जाती हो बात, या आपको नापसंद हो, या प्रेशर महसूस करते हो, दबाव महसूस करते हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा मसला आता है आपकी अपनी जहनी सेहत के लिए। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि हमें उसको एक इस तरीके से करना है जिससे किसी का नुकसान हो, मगर एक रिस्पेक्टफुल वे में, एक नरमी के साथ कहना कि मुझे ये आज ठीक नहीं लगता, किसी और दिन सही। मना करना कभी कभार, या अपने लिए जिसको हम कहते हैं बाउंड्री सेट करना, अपने लिए कुछ चीज़ें ऐसी करना या कहना जो आपकी जहनी सेहत के लिए अच्छी हों। कभी कभार मदद मांगना, हमें कभी कभार ऐसा लगता है कि अगर मैंने मदद मांग ली तो मैं कमज़ोर तो नहीं लगूंगा या लगूंगी, या वो क्या सोचेगा या क्या सोचेगी, मगर मदद मांगना जहां आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपकी एक नौयत के बाहर हैं, वो भी अपना ख्याल रखने से ही ताल्लुक रखता है। क्योंकि मदद मांगने में आप में कोई एहसास कमतरी ना हो, क्योंकि हर इंसान को मदद और सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट मुख्तलिफ जगहों से मिल सकती है, फैमिली से, दोस्तों से, जैसे इदारे आपके पास KDSP जैसा इदारा है जो आपको फुल सपोर्ट देता है आपकी अपनी जहनी सेहत के लिए, बच्चों के लिए। मदद मांगना, सपोर्ट लेना आपके लिए भी वो बहुत अहम है। अपने एहसासात का इजहार करना, छोटा सा एग्जांपल है, हम जब बेचैन होते हैं, सबके बुरे दिन गुजरते हैं ऐसे, सबके डेज आते हैं जिसमें अच्छी फीलिंग नहीं आती, बड़ा नेचुरल है, बड़ा नॉर्मल है, लेकिन हम कभी कभार उसको बता नहीं पाते, इजहार नहीं कर पाते कि आज अच्छा नहीं लग रहा, बस वो बेचैनी जिस्म ज़रूर महसूस करता है, या तो काम पे दिल नहीं लगता, फैमिली वालों के साथ कभी कभार कोई अनबन हो जाती है, या किसी से बात करने का शायद दिल ही ना करे, मगर उससे क्या हो रहा है, आप जो महसूस कर रहे हैं वो अंदर ही अंदर वो चीज़ बंद होती जाती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, गुस्सा आ सकता है, चिड़चिड़ाहट बढ़ सकती है, और वहाँ पे जब आप कोई चीज़ दबाए चले जाएंगे अपने अंदर, किसी एक दिन वो फटके आती है, जैसे गुब्बारा होता है, गुब्बारे में आप हवा भरते चले जाएँ, भरते चले जाएँ, भरते चले जाएँ, एक पॉइंट पर क्या होगा, फट फट जाएगा। लेकिन अगर हमें पता है कि उस गुब्बारे की कैपेसिटी कितनी है, कितना वो ले सकता है हवा, और कितनी हवा के बाद वो फट जाएगा, जब हम एक गुब्बारे के लिए वो बात समझ रहे हैं, अपने जहन के लिए भी ये बात समझना ज़रूरी है कि जहन में भी एक हद तक वो अपने एहसासात को, ख्यालात को लेके चल सकता है, और जहाँ पे वो पैमाना बिल्कुल ही भर चुका है वहाँ ज़रूरी है बात करना, इजहार करना। हम ये नहीं कह रहे कि हर किसी के साथ जाके करें, लेकिन अपने जो करीबी लोग होते हैं, जिनको आप भरोसा करते हैं, उनसे बात ज़रूर करें, और अपनी फीलिंग को, अपने एहसास को नाम दें। अगर बेचैनी है तो बेचैनी का नाम, उदासी है तो उदासी का नाम, गुस्सा है तो गुस्से का नाम। जैसे कि अगर आपको जिस्मानी तौर पर कभी कोई बीमारी होती है, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर लेट्स से फ्लू हो गया, अब आपको बुखार है, जब आपको पता ही नहीं है कि आपको बुखार क्यों है, क्या है, आप उसका ख्याल नहीं रख पाते, आपको नहीं पता कि मैंने पैनाडोल खानी है, एंटीबायोटिक खानी, क्या करना है, मगर जब डॉक्टर आपको बता देता है कि जी इन्फेक्शन है,
या एलर्जी है, ये दवा खा लें ठीक हो जाएगा। जब पता चल गया तो ख्याल रखना आसान हो गया, लेकिन जब हमें पता ही नहीं होता हमारे साथ क्या हो रहा है तो हम ख्याल नहीं रख पाते। तो अपने एहसासात को नाम देना उस ख्याल रखने का हिस्सा है, क्योंकि जिस दिन आप उसको नाम दे चुके, उसके बारे में बात कर चुके, आपको खुद ब खुद ख्याल रखने के लिए एक हिम्मत आ जाती है कि ये हो सकता है, इसका हम कोई हल निकाल सकते हैं, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। और एक बहुत अहम और बात जो मैं ऐड करना चाहूँगी, ये बाकी सारी बातें तो हम वैसे कर चुके हैं, बाहर फिजा में, खुली फिजा में जाना, पसंद की चाय या अपनी मर्जी की कोई चीज़ खाना पीना, किताब पढ़ना, अगर किसी को पौधों का शौक है, कुकिंग का शौक है, जो भी अपने पसंद की चीज़ वो करना, बट एक आखिरी चीज़ है जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, अपने आप को एक पॉजिटिव मैसेज देना, एक ऐसी अच्छी बात करना जो आपके लिए हो, और ख़ास तौर पे अपने आप को माफ़ करना। कितनी दफ़ा होता है कि हम कोई गलती कर जाते हैं, होता है, इंसान है, सबने किसी ना किसी दिन किसी पॉइंट पे की होगी, छोटी से लेकर बड़ी, मगर हम कभी कभार अपने आप पे बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ये क्यों कर लिया मैंने, ये क्यों कहा मैंने, और हमारे लिए मुश्किल हो जाता है अपने आप को भी माफ़ करना। हम किसी को कहते नहीं है शायद ये बातें, लेकिन जहन में कभी कभार आ जाती हैं। अपने आप को प्यार करना, अपने आप का ख्याल रखना, अपने आप को माफ़ करने से भी ताल्लुक है कि कोई बात नहीं, हो जाता है, कुछ दिन आएंगे जो मुश्किल होंगे, इट्स ओके। और अगेन सिंपल सी बात लगती है, मगर अपने आप को ये कहना बहुत अहम है। हम जब किसी और को ये बात कहते हैं, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि किसी और का एक ऐसा डे गुजर रहा है जो अच्छा नहीं है, हम कहते हैं इट्स ओके, ठीक हो जाएगा, हमने शायद किया होगा कि इट्स ओके, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। यही चीज़ कभी अपने आप के लिए भी करके देखें, अगर आप ऑलरेडी करते हैं तो वेरी गुड, और अगर नहीं किया कोई बात नहीं, आज से इस चीज़ का आगाज़ करें, शुरुआत करें, अपने आप से भी ये प्यारी प्यारी बातें करना जिस तरीके से हम दूसरों से करते हैं। एक और बहुत अहम पॉइंट है जो मैं बताना चाहूँगी आपसे, हमने बहुत सारे अभी आइडियाज़ शेयर किए कि किस तरीके से हम अपने आप का ख्याल रख सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी कि हर आइडिया जो अभी मैंने आपसे शेयर किया, जिसमें शुरू में कहा था हर इंसान के लिए मुख्तलिफ दिख सकता है, जैसे एग्जांपल था चाय पीना, चाय पीना किसी के लिए हो सकता है बाहर होटल में जाके पीना, घर में खुद के लिए बनाना, हो सकता है कोई मज़ेदार उसमें कोई इलायची डाल के या कोई दालचीनी डाल के पीना, हर इंसान के लिए ये सारे आइडियाज़ मुख्तलिफ दिख सकते। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ, मैंने इतनी सारी बातें की, अब मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि अगर आप अपना ख्याल रखते हैं और आगे भी रखना चाहते हैं, वो क्या क्या आइडियाज़ हैं जो आप करना चाहेंगे, आए हम एक दूसरे से सीखें। हो सकता है आप कोई एक ऐसी चीज़ करते हो जो शायद मैं भी ना करती हूँ, आपका सुन के मैं आज सीख लूँ, आए हम एक दूसरे से सीखें कि हम कैसे ये चीज़ को कर सकें। बिल्कुल, वेरी गुड, सही, मतलब चाय पीने होटल का ऑब्वियसली ये तो है, बिल्कुल जी जी ठीक है, मूवीज के ऊपर भी बात करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है बाहर जाके हाईवे पे खाना खाना अच्छा लगता है, बिल्कुल देखना अच्छा लगता है, तो ये सारी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं, ये हम अपने लिए टाइम निकालते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, जो इमोशनल या मेंटल स्ट्रेस हमारा होता है वो हम अपना रिलीज करते हैं और फिर दोबारा से नॉर्मल जिंदगी की तरफ आ जाते हैं, चलिए फिर दोबारा जमा करते हैं, तो ये वीकली हो जाता है, वेरी गुड। हम एक बात समझते हैं आज, जो हमने एक चीज़ सीखी, हो सकता है कि मुख्तलिफ फैमिलीज में मुख्तलिफ डायनामिक्स होते हैं, लेकिन हाँ एक बात बिल्कुल समझ आती है कि शायद एक फादर का एक्सपीरियंस और एक मदर का एक्सपीरियंस मुख्तलिफ हो सकता है, ये बात आपकी मुनासिब है और मैं इस बात से अग्री भी करती हूँ। तो आए हम इस चीज़ से एक चीज़ सीखते हैं
क्योंकि अगर हम इस बारे में और मजीद बात करेंगे तो मुझे लगता है कि वो बात आगे बढ़ेगी, लेकिन हमारी तवज्जो होनी चाहिए कि हल क्या है, हम इसको आगे कैसे लेके चलें। वहाँ पे हम अपना फोकस कर सकते हैं एक दूसरे की बात समझना। जैसे हमने बात की थी इससे पहले एहसासात का इजहार, तो यहाँ पे शायद बहुत एक अच्छी बात ये हो कि आप अपने स्पाउस का, अपने शौहर या बीवी का नज़रिया समझें, उनका भी सुने और मिल के एक हल निकालें। और इसकी एक वजह है, मैं ये बात क्यों कहना चाह रही हूँ, आई अंडरस्टैंड कि हर माँ बाप के लिए उनका अपना स्ट्रेस और अपना प्रेशर होता है, लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स जो केयर गिवर्स हैं, अगर उनकी ही ज़हनी सेहत इफ़ेक्टेड है, अगर उनकी ही ज़हनी सेहत में दबाव बहुत ज़्यादा है, लाजमी बच्चे को इफ़ेक्ट होगा। क्योंकि बच्चा एक स्पंज की तरह होता है, वो शायद कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन उसके इर्द गिर्द माहौल और एनवायरनमेंट में जो कुछ हो रहा है वो जज्ब करता है। अगर बच्चा 2 साल का भी है, 3 साल का भी है, वो भी हर चीज़ पिक कर रहा है। हमें लगता है कि तो अभी बहुत छोटा है, इसको क्या पता, मगर 2 साल का बच्चा हो, 3 साल का हो, 1 साल का हो, ये सब जज्ब हो रहा है। वो बताएगा नहीं वो उसने क्या सुना, मगर उसके जहन में वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अंदर जा ज़रूर रही हैं, अच्छी वाली भी चीज़ें और जो है जो थोड़ी मुश्किल चीज़ें भी हैं। तो ये बात करने का मतलब मकसद यही है कि अपनी ज़हनी सेहत के लिए क्या क्या स्टेप्स आप ले सकें, क्योंकि आपसे जुड़ी है आपके बच्चों की ज़हनी सेहत, और इसीलिए आपको अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ही एक ऐसे डे से गुजर रहे हैं जो मुश्किल है, घबराहट हो रही है, गुस्सा आ रहा है, वो बच्चों को इफ़ेक्ट करेगा। और हम चाहते यही हैं कि हम बच्चों के लिए, उनकी ज़हनी सेहत के लिए काम कर सकें। ये एक साइकिल है पूरा, हम जो फील करते हैं वो बच्चों में जाता है, बच्चा फिर उसको निकालता है मुख्तलिफ तरीक़ों से, बातों से, चीज़ों से, चीज़ें फेंक देंगे, रोना शुरू कर देंगे, और हम समझते हैं कि ये चीज़ उनके लिए अच्छी नहीं है, हम समझते हैं कि हमें इसको चेंज करना है, उनके लिए बेहतरी करनी है। इसीलिए शुरुआत अगर हम अपनी ज़हनी सेहत से ही कर लें, आप लाजमी नोटिस करेंगे फ़र्क पड़ेगा। जिस दिन आपको लगता है कि आप सुकून में हैं, या आपको अपना वो एक वक्त मिल गया है अपने लिए, आप खुद ब खुद नोटिस करेंगे, जब आप बच्चों से बात करेंगे आपका भी शायद लहजा, बात करने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि आपको वो मौका मिल गया अपना भी ख्याल रखने का। और मैं बिल्कुल ही आपकी बात समझती हूँ, हर फैमिली के लिए इसकी शक्ल मुख्तलिफ होगी। मैं बिल्कुल ये नहीं कहती कि जो आप पे लागू होता है वो इन पे और मुझ पे और इन पे नहीं होगा, मैं समझती हूँ इस बात को, मगर इम्पॉर्टेंट क्या है, बात करना एक दूसरे से। बात करने से ही बात बनती है, बात करने से ही समझ आएगा नज़रिया, और बात करने से ही हल निकलेगा। अगर मुझे कोई चीज़ बुरी लग रही है और मैं ना कहूँ, क्या होगा? जैसे आपने कहा, बच्चों पे, फैमिली पे, इधर उधर की चीज़ों पे निकलता रहेगा। अपने ख्याल रखने पे आज हम तवज्जा दें, अपने लिए आइडियाज़ बनाएं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, चाय पीना, अखबार पढ़ना, या कोई भी पसंद की चीज़, बाहर निकलना, दोस्तों में जाना, अगर दोस्तों में नहीं जा सकते तो और क्या हम कर सकते हैं जो अपने लिए हो। अगर आपको आर्ट का, पेंटिंग का शौक़ है, हमें लगता है पेंटिंग आर्ट बच्चों की चीज़ है, मगर एज अ ग्रोन अप, अगर एक हम बड़े होके भी करें, कभी करके देखेगा, उसमें एक अलग मज़ा है, आपके अंदर का बच्चा ऐसा लगता है बाहर आता है, रिलैक्स हो जाता है। जी, ओ वेरी गुड, वेरी नाइस, दैट्स एक्सेलेंट। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अपने किसी कैबिनेट को पेंट कर देना, या कुछ भी ना हो, कोई भी कागज़ लेकर उसके ऊपर कलरिंग या ड्राइंग कर देना। ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी भी चीज़ हो, बड़ी भी हो सकती है, छोटी सी भी हो सकती है। आपको खामोशी थोड़ी सी चाहिए, बिल्कुल, ये भी एक तरीका है, बिल्कुल। जी जी, ओके, तो इट्स अ जॉइंट एफर्ट, ठीक है, वेरी गुड, इट्स अ जॉइंट एफर्ट, ओके। और इवन छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम शायद नज़रअंदाज कर दें, अगर आपको जैसे फूल पसंद है, कभी 2 मिनट हमने रुक के कभी फूल को सिर्फ स्मेल किया, हम ले लेते हैं शायद, या देख लेते हैं, वो देखो अच्छा लग रहा है, ओ वो क्यारी बहुत अच्छी लग रही है, मगर कभी रुक के उसको सूंघना, इंजॉय करना। तो मैं हस्बैंड से कह रही थी, कभी आते हैं तो कभी
ओके ऑफकोर्स, और वो बहुत रिलैक्सिंग होता है. अगर किसी को गार्डनिंग का शौक है, अगर आप उनसे बात करें, वो उनकी अपनी थेरेपी होती है. इट्स वेरी रिलैक्सिंग. कुछ लोगों के लिए कुकिंग रिलैक्सिंग है, कुछ लोगों के लिए आर्ट रिलैक्सिंग है. तो वही है कि अपने लिए आइडिया, ये सवालिया निशान इसीलिए है कि आइडिया कोई सही गलत नहीं होता. व्हाट इज फॉर यू, आपको क्या अपने लिए ठीक लगे. ओह वेरी गुड, दैट्स वेरी क्रिएटिव, बिकॉज ये भी अपना क्रिएटिव प्रोसेस है. इवन अगर कोई, जैसे कोई क्रोशे करता है, सिलाई करता है, ये भी आर्ट है, ये सारे आर्ट्स हैं. आगे बढ़ते हैं. मगर अब एक आखिरी चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, हमने बातें की ख्याल रखने की, कैसे हम रख सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, मगर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इस पूरे प्रोसेस का. अपने ख्याल रखने के लिए एक अहम चीज क्या है, जो भी काम आप अपने लिए चूज करें, जैसे हमने बात की ना कि पेंटिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, सोप बनाना हो गया, कोई भी एक्टिविटी हो, उसको तवज्जा से करें, जिसको हम कहते हैं माइंडफुलनेस. क्या आपने कभी इसका वर्ड सुना है? ये वर्ड क्या है, कभी किसी ने सुना हो? नहीं सुना हुआ है, ठीक है. हम अगर एक स्टेप आगे जाते हैं, बात करते हैं कि माइंडफुलनेस से क्या मुराद है. तवज्जा वर्ड तो मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आप इमेजिन करें, सोचें, आप कहीं चलते हुए जा रहे हैं, ठीक है, काम से निकले हुए हैं या ऐसे टहल रहे हैं. काफी दफा हम लोग कोई भी काम करते करते जहन में बहुत सारी चीजें घूम रही होती हैं. ये राशन लेकर आना है, बिल पे करना है, इसको कॉल बैक करना है, इस तरह के काफी थॉट्स आते रहते हैं. मेरे ख्याल से हम सब के आते, क्योंकि जहन है, ख्याल तो आएगा. बिल्कुल. तो यानी हम कह सकते हैं कि एक तरीके से हमारा जहन हमेशा फुल रहता है, ठीक है ना, माइंडफुल है. लेकिन माइंड को फुल रखना और माइंडफुलनेस में फर्क है. फर्क क्या है मैं बताती हूँ. माइंडफुलनेस से मतलब ये नहीं है कि आपका जहन सारा वक्त भरा रहे. माइंडफुलनेस से मुराद ये है, आप जो भी काम करें अपनी पूरी तवज्जा से करें, बगैर किसी और ख्याल के उसके अंदर आने से. जैसे कि अगर आप वॉक पे निकले हुए हैं, किसी पार्क में हैं या बाहर रोड पे भी अगर आप हैं, गौर करना, मैं क्या क्या दिखता हुआ या देखती भी जा रही हूँ. दरख्त हैं, फूल हैं, स्काई में क्या है, आसमान कैसा है, क्या किसी कोई गुजरता हुआ गया है, और क्या कोई एक ऐसी चीज़ है फिज़ा में जो मुझे आज पसंद आ रही है, क्या क्या खुशबू हैं जो मेरी नाक से अभी मैं महसूस कर सकती हूँ, मेरे कान क्या क्या आवाज़ें सुन रहे हैं, चिड़िया बोल रही है, रिक्शा का शोर है, कोई भी चीज़ हो सकती है. गौर करना, तवज्जा देना उस वक्त, उस मोमेंट में जहाँ पर आप हैं वहाँ मौजूद रहना. ये क्या है, ये हमें कहीं और खींच लेता है. मैं अगर पार्क में हूँ, मैं बनस्बत पार्क इंजॉय करूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, अच्छा घर जाके खाना बनाना है और वापसी पे बिल पे करते हुए जाना है. अब ये दो चीज़ों का ख्याल घुस गया उस वक्त मेरे माइंड में, मगर इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, उन ख्यालों को बोलना अभी नहीं, वापसी में देख लेंगे. अभी पार्क में कैसा महसूस कर रही हूँ, ग्रीनरी है, फूल हैं, लोग हैं, हो सकता है आप किसी अपने फ्रेंड के साथ निकले हुए हों, वॉक पे निकले हुए हों पार्क में, उस वक्त अपने मोमेंट को इंजॉय करना, जिसको हम कहते हैं अपने प्रेजेंट में रहना, अपने आज में रहना. हमारा जहन हमें या तो कल में खींचता है, क्या हुआ था, या क्या होगा, अपने फ्यूचर में खींच लेगा. बिल्कुल. इसमें हमें प्रैक्टिस की जरूरत है. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, कोई अगर कोई भी स्किल सीखता है, ड्राइविंग हो गया या कोई भी स्किल होता है, एकदम से तो नहीं आता, है ना. हाँ, अगर मैं ड्राइविंग व्हील पे पीछे बैठ जाऊं,
मैं बार बार नीचे देखूंगी गियर बदलने के लिए, क्योंकि मुझे ड्राइविंग नहीं आती, प्रैक्टिस ही नहीं है, और वो भी गलत है क्योंकि नीचे तो आप देख नहीं सकते। मगर कोई प्रैक्टिस ड्राइवर हो, स्किल ड्राइवर हो, वो तो सोचेगा भी नहीं। आप गाड़ी में शायद बैठे, टक 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 गाड़ी चला ली, नहीं सोचते। यहाँ पे कोई ड्राइव करता है? ये करना है, ये करना है, बिल्कुल। मगर आपको शायद ड्राइविंग पे फोकस नहीं करने, मतलब मेहनत भी नहीं लगी, क्योंकि आदत हो गई है। आपकी बॉडी, आपकी माइंड दोनों को आदत है, क्योंकि प्रैक्टिस की तो ड्राइविंग सीखी। ये चीज़ भी प्रैक्टिस से 100% लाजमी मैं कहती हूँ मुमकिन है। ठीक है, सही, श्योर। बिल्कुल ठीक है, सही। तो आहिस्ता आहिस्ता वो आदत बन गई, और आहिस्ता आहिस्ता जहन के लिए वो चीज़ नॉर्मल हो गई। जहन जहन के लिए चीज़ बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये तो रोज़मर्रा की चीज़ है, राइट? तो बिल्कुल मुमकिन है। तो आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है, मगर उसका जवाब सिर्फ ये है, मुमकिन है। इसके लिए मैं अभी आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज अभी बताती हूँ, ठीक है? आप मुझे, हम अभी आगे जाएंगे, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? अभी हम इस पे दोबारा आते हैं, मगर जो कहना हम चाह रहे थे वो यही है, चाहे जो भी काम आप अपने लिए करें, अपना ख्याल रखने के लिए कोशिश करें, उस वक्त दूसरे ख्यालात को अंदर ना आने दें अपने जहन में। कोशिश करें कि आप उस वक्त जो काम कर रहे हैं पूरी तवज्जो से करें, चाहे आप उस वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, खाना बना रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, नोटिस करें उस वक्त आपकी बॉडी कैसा फील करती है। और अपने जितनी हमारी डिफरेंट सेंसेस है ना बॉडी की, जिनको हम कहते हैं हिस, देखना, सुनना, सूंघना, हाथ लगाना, ये सारे हमारे सेंसेस हैं जिनको हम हवास कहते हैं, आपकी डिफरेंट जो हिस होती है। जो काम करें अपनी इन पांचों हवास को शामिल करके करें। छोटा सा एग्जांपल है, अगर आपने पेंटिंग का एग्जांपल दिया, पेंटिंग अगर करें तो ब्रश हाथ में कैसा फील करता है, सख्त है, नरम है, गर्म है, ठंडा है, अपने माइंड से बात करें कि ये ऐसा फील हो रहा है। आउट लाउड नहीं बोलें, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप से भी बात हम करें। पेंट की स्मेल आती है, नोटिस करें कि वो अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है। कुछ लोगों को पसंद है, कुछ को नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, बट नोटिस करें कि उस वक्त हो क्या रहा है आपके साथ, आपके जहन और आपके जिस्म में। कोई साउंड निकल रहा है पेंटिंग के वक्त, या खामोशी है बिल्कुल, स्ट्रोक्स का हल्की सी साउंड आती है बिल्कुल, रंग कौन सा है, अपनी आईज से, अपनी आंखों से देखना। हम उसको टेस्ट नहीं करेंगे, वो इसको हम नहीं यूज करेंगे पेंटिंग में, हाँ लेकिन दूसरी चीजों में जरूर यूज कीजिएगा, बट यू गेट व्हाट आई मीन, राइट? के अपने आप को उस मोमेंट में लेकर आए, जो ऐसे हमने बात की कि आपका माइंड आपको पास्ट में या फ्यूचर में खींचेगा, उसको दोबारा से अपने प्रेजेंट में, अपने उस वक्त के मोमेंट में, हियर एंड नाउ में लेकर आए। और ये एक एक्सरसाइज है जो आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकती हैं अपने उस वक्त के लिए, जब बिल्कुल सोने से पहले आपका माइंड आपको खींच रहा है पास्ट और फ्यूचर में, लेटे लेटे। एक छोटी सी एक्सरसाइज है, मैं सबको इन्वाइट करती हूँ अभी करने के लिए। रिलैक्स पोजिशन में ज़रा 1 से 2 गहरी सांसें लेते हैं, ठीक है? आइए रिलैक्स करें अपने आप, क्लिपबोर्ड को अगर ना भी इस्तेमाल करते हैं अभी, ऐसे ही रख लें, जस्ट रिलैक्स योर बॉडी। गहरी सांस लें, जैसे कि नाक से जब सांस अंदर जाए तो आपके पेट तक पहुंचे और आपके मुंह से निकले। अपने इर्द गिर्द थोड़ी सी अपनी आंखों को घुमाइए और नोटिस करें कोई भी 5 चीज़ें जो अभी आपकी आंखें देख सकती हैं, बताएं नहीं, बस अपने जहन में रखें।
एनी फाइव थिंग्स, पांच चीजें जो अभी आपका जहन, आपके आईज, आंखें देख रही हैं, कोई भी पांच चीजें हो सकती हैं, और अपने आप को लिस्ट करें, मैंने ये देखा, ये 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 और ये। जब आपकी आईज ने पांच चीजें पिक कर ली हो, फिर कोई भी चार चीजें जो आप अभी महसूस कर सकें, पेन अगर हाथ में है, आपके कपड़े, आपका चश्मा अगर आपने कोई चश्मा पहना हो, बाल, कोई भी चार चीजें आपके जो हाथ फील कर सकें, सॉफ्ट है, हार्ड है, ठंडा है, वार्म है, नोटिस करें। कोई भी तीन चीजें जिनकी आवाज आपके कानों पे पड़ रही हो, मेरी आवाज हो सकती है और उसके अलावा भी और चीजें हो सकती हैं जो अभी आपके इयर्स पिक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, दैट्स ओके, दैट्स ऑल राइट, एनीथिंग, कोई भी हल्की भी आवाज हो सकती है, जोर की भी हो सकती है, कोई भी तीन चीजें जो आपके इयर्स अभी सुन सके। फिर आइएगा दो चीजों पे जो आपके नोज से आपको अभी स्मेल आ सके, दो चीजें जो आप सूंघ सकें, कोई भी चीज हो सकती है, मास्क हो सकता है, बिल्कुल, मास्क की अपनी स्मेल होती है, बिल्कुल सही बात है, कोई भी और स्मेल जो अभी आपकी, फ्रेश पेंट की स्मेल आ रही है, ओके, सॉरी, अपने खुद से जो स्मेल आ रही है, बिल्कुल वो भी बिल्कुल ठीक है। और लास्ट में एक हमारा जो रह जाता है टेस्ट, अभी क्योंकि हम सारे मास्क में हैं, हम अभी फिलहाल मुंह में कोई चीज नहीं डाल पा रहे, मगर आप क्या कर सकते हैं, बस एक गहरी सांस के साथ और नोटिस करें कि आपका माउथ अभी, आपका मुंह कैसा फील कर रहा है, ड्राई है, ठीक चीजें फील होती है ना, कभी खुश्क महसूस होता है बहुत ज्यादा, कभी गीला बहुत ज्यादा होता है, नोटिस करें कि माउथ में अभी हो क्या रहा है, अगर कुछ खा पी ना भी सके, गर्म हवा भी आपको महसूस हो, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हमने अभी क्या किया, पांच मिनट लगे, अपनी पांचों हवास के जरिए हमने अपने माहौल को जज्ब किया, अब्सॉर्ब किया, और जब हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं, हम उन ख्यालात जो पास्ट के या आने वाले कल के हैं, वो कहीं ना कहीं हम उनको रोक देते हैं। और अगर आपको महसूस हुआ कि कोई ख्याल आ रहा है, जैसे अगर आप ये एक्सरसाइज अपने लिए कर रहे हैं और कोई आ गया, बाकायदा एक गहरी सांस लेके बोले, अभी नहीं, नॉट राइट नाउ, बाकायदा अपने आप से बात करके ये बात कह सकते हैं, ये भी अपने ख्याल रखने से ताल्लुक रखता है। जी 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 देन यू वॉन्ट टू एंजॉय योर बुक तब फोकस नहीं कर पा रही, बिल्कुल। एंड माइंडफुलनेस का जो मकसद ही है कि जो काम आप करें तवज्जो से करें, क्योंकि अगर आपको ख्यालात दूसरी तरफ खींच लेते हैं तो वो हाँ पॉइंट नहीं है और आपके लिए वो अच्छा नहीं है। अगर हम आगे नहीं सॉरी अगर हम आगे देखें, ये बात हम कर चुके हैं अपने फाइव सेंसेस की बात, अपने हवास की बात, हमने अभी ये भी बात कर ली ख्यालात को जहां पे हमें पॉज करना है, मगर एक और अहम बात है, अपने ख्यालात के साथ साथ अपने एहसासात को भी नाम देना, जो मैंने शुरू में बात कही थी, जो फील करें बोलें, या एटलीस्ट अपने आप से कहें जरूर। छोटा सा एग्जांपल है, अगर लेट से ऑफिस में कोई बुरा दिन गुजरता है, हम घर आए, घर आके बोला उन्होंने कहा था अच्छा नहीं लगा, लेट से आई कम एंड शेयर दिस, ठीक है कि वो हुआ था, नहीं कहना चाहिए था उसको, ये मैं आपसे अपना ख्याल जरूर शेयर कर रही हूँ, मैंने अपनी फीलिंग नहीं बताई कि मुझे गुस्सा आया, ये कहना कि जो उसने कहा नहीं कहना चाहिए था, ये ख्याल है,
फीलिंग क्या है? जब उसने कहा मुझे गुस्सा आया, या मैं अपसेट थी, या मैं सैड हो गई, या जो भी फीलिंग आपको फील हुई, तो जब आप अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखें, अपने ख्यालात के साथ साथ अपने एहसासात को एक नाम ज़रूर दें, क्योंकि ये दो अलग चीज़ें हैं। इनका असर एक दूसरे पे होता ज़रूर है, मगर ये अलहदा चीज़ें हैं भी, ठीक है। गहरी सांस की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जब आप गहरी सांस लें तो अगेन तवज्जा से कि जब सांस अंदर बाहर हो रही है जिस्म के, अभी जो हमने एक्सरसाइज की थी वो गहरी सांस से की थी, कॉन्सेंट्रेट करके तवज्जा के साथ, और ख़ास तौर पे अपने जिस्म और जहन के कनेक्शन को भी समझें। अगर बहुत बेचैनी है वॉक पे निकल जाएं, टहल के आ जाएं, थोड़ा सा बस जहाँ पे भी खड़े हैं थोड़ा सा अपनी बॉडी को शेक कर ले, थोड़ा सा अपने आप को मूवमेंट देना। जैसे हम कहते हैं ना, बच्चा बहुत एक जगह बैठा हुआ है, वो उसको कहीं हिलने के दिल चाहता है, ऐसा होता होगा बच्चों के साथ। हमारी भी नीड ऐसी है, ये सिर्फ बच्चों तक महदूद नहीं होती, हमें भी एक पॉइंट के बाद बैठे बैठे रहकर बेचैनी होती है। तो हमारे जहन को हम एक्सरसाइज देते हैं, लेकिन अपने माइंड के साथ बॉडी को भी वो मूवमेंट या वो एक अपॉर्चुनिटी, वो मौका ज़रूर दें कि वो भी अपनी एनर्जी को थोड़ा सा निकाल सके। और लास्ट में जो मैं आपसे बात करना चाहूँगी, ये बिल्कुल आखिरी बात है, एक मैसेज अगर आज आप इस पूरी वर्कशॉप से लेके जा सकें, जो मैं चाहूँगी, अपने आप को रोज़ एक पॉजिटिव मैसेज ज़रूर दें और अपना ख्याल रखने का अपने लिए एक प्रॉमिस करें, अपना एक वादा रखें कि मैं ना कर सकी या कर रही हूँ और मैं करना चाहूँगी या करती रहूँगी या करता रहूँगा, तो आइदर कंटिन्यू करने का या आज से शुरू करने का, अपने लिए एक वादा, अपना एक प्रॉमिस, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप ही की ज़हनी सेहत से आपके बच्चों की ज़हनी सेहत जुड़ी हुई है। और अगर आपको लगे कि आप खुद से अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल नहीं रख पा रहे, कोई बात नहीं, मदद मांगना, सपोर्ट मांगना, चाहे वो दोस्तों से, फैमिली से हो या थेरेपिस्ट के पास जाना हो, मगर अपनी सेहत पे भी उतना ही वक्त लगाएं जितना हम बच्चों पे लगाते हैं, क्योंकि आपकी सेहत से उनकी सेहत जुड़ी हुई है। थैंक यू सो मच। एंड में कोई बात, अगर कोई सवाल है, कोई ख्याल शेयर करना चाहें, कोई बात शेयर करना चाहें, मैं वो मौका आपको देना चाहती हूँ। अच्छा जी, तो वी हैव टू कम ऑन ऑल्टरनेट डे। जी जी, जब हम आते हैं तो वी स्पेंड अ वेरी नाइस टाइम टुगेदर, ऑल द मदर्स, वी हैव अ कप ऑफ टी, समटाइम्स वी ड्रिंक सम स्नैक्स फ्रॉम होम आल्सो, वेरी नाइस, एंड दैट टाइम वी रिलैक्स एंड एंजॉय एंड टेक आउट ऑल आवर थॉट्स और शेयरिंग करते हैं। बहुत अच्छी, तो कम्युनिटी की फीलिंग आती है। वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी कि आपको अपने जैसे कोई एक ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनके साथ आप अपना शेयर कर सकें, अपना इजहार कर सकें। वेरी गुड, अच्छी बात है कि आपको एक मतलब मोटिवेशन, बिल्कुल सही बात है, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। जी, और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा अपना नजरिया? और वो जो पांच हवास के जरिए है वो चीज जरूर ट्राई कीजिएगा। जी, जी जी जी, 10 मिनट की या 2 मिनट की समझ में आ गई तो बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया, आजकल लोग किसी और का ख्याल नहीं रख रहे और आप बुला गए पूछने, कह रहे हैं अपना ख्याल रखने की बड़ी बात है। तो आइए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी जी जी, मैं आपको बता दूं कैसे हुआ, ऐसे हुआ, लेकिन ये ना बताऊं कि मुझे मेरी क्या फीलिंग, बिल्कुल ये चीज मैंने पिक की है कि इस चीज को भी बताना बहुत जरूरी होता है कि मुझे ये चीज अच्छी लगी है या ये चीज बुरी है। और अगर आपको लगे कि कभी कभार हमें नाम नहीं आता कि क्या हो रहा है, जैसे अगर घबराहट होती है तो सीने में
दर्द या पेट में दर्द, कभी कभी नाम देना मुश्किल होता है, लेकिन बहुत सारे आप तरीकेकार ऐसे हैं, आजकल इंटरनेट का एक्सेस आई थिंक सबके पास है, तो अगर आप ऑनलाइन जाकर फीलिंग वर्ड से रिलेटेड बहुत सारे लिस्ट हैं, आप अपने लिए कोई इस तरह की लिस्ट रख सकते हैं कि अच्छा इसमें ये नाम है, क्या मैं ये फील कर रही हूँ, नहीं ये नहीं, ये वर्ड मुझे डिस्क्राइब नहीं करता लेकिन ये वाला करता है। तो कभी जैसे हम डिक्शनरी या एक लुगत खोलते हैं रोज़मर्रा की बाकी चीज़ों के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए या अपने लिए भी, समझे ये भी एक आपकी अपनी लुगत या एक डिक्शनरी है, अपनी वोकैबुलरी बढ़ाने का एक मौका मिल जाता है। और कोई कुछ कहना चाहेगा, कोई सवाल अगर कोई करना चाहे? ओके थैंक यू सो मच, दैट मींस अ लॉट, थैंक यू जी 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 आई कम्प्लीटली अग्री, क्योंकि ट्रैफिक कम हुआ था तो ये सारी चीज़ों को इन्हांस होने का मौका मिल गया था, 100% आई एग्री, यस। अभी आप लोगों ने एक सर्वे फिल किया होगा, आप लोगों ने एक पेपर फिल आउट किया होगा, उससे आप लोगों को क्या समझ में आया कि आज का हमारा टॉपिक किस बारे में है? बिल्कुल, तो उससे थोड़ा अंदाज़ा हुआ कि आपको उसका आइडिया है। अगर मैं ये कहूँ, आप लोगों से पूछूँ कि सेल्फ़ केयर या ख़ुद का ख्याल रखना आप लोगों के लिए क्या है, तो उससे आपके जहन में क्या आता है, अगर आप लोग शेयर करना चाहें? ये जहन में आता है कि हमारी अपनी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, बिल्कुल 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 जी, कि हम खुद सही होंगे तो हम अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपने घर वालों को भी उसी तरह उनका ख्याल रख सकें, यानी कि खुद का ख्याल रख के फिर ही हम दूसरों का ख्याल रख सकते हैं। लेकिन क्या ये हम कर पाते हैं, खुद का ख्याल रखना मुश्किल से होता है? आप बताएंगे, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कोशिश करना चाहते हैं या करते हैं लेकिन हो नहीं पाता, तो आज का टॉपिक इसी हवाले से है कि हम अपना ख्याल किस तरह रखें। अव्वल तो ये कि ख्याल होता क्या है, उसकी शक्ल क्या है, किस तरह रखा जा सकता है, और दूसरा ये कि कैसे हम अपना ख्याल रखें, किन क्या तरीक़ेकार अपनाएं, किन चीज़ों को अपनाएं अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफस्टाइल में, कि उससे हम अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, क्योंकि बिल्कुल देखा जाए तो अपना ख्याल रखने के बाद ही वो बाकी सारी चीज़ें मुमकिन हैं। तो उसी सिलसिले में हम ये स्टार्ट करेंगे। अब ख़ुद एहतियात को अगर हम इस लफ्ज़ को देखें, तो ख़ुद एहतियात की जो शक्ल है वो कुछ भी हो सकती है। अगर आपको किताब पढ़ना पसंद है, कुछ सुनना पसंद है, या फिर कुछ अपने लिए चाय पीना, अच्छी नींद लेना, ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, और एट द सेम टाइम करना अच्छा भी लगता है। जैसे कि चाय पीना, यहाँ पे आप लोगों को चाय पीना किसी को पसंद है? पसंद है बहुत ज़्यादा। और चाय पीने को जब हम अपने ख़ुद के ख्याल की बात करते हैं कि हमें अपना ख्याल रखना चाहिए, ये चीज़ हमारे जहन में नहीं आती कि चलो चाय पी लेते हैं, उससे ख़ुद का ख्याल रखेंगे। क्यों, ऐसा क्यों? ये इतनी छोटी सी चीज़ है, और इससे अगर हमें खुशी मिलती है, जैसे कोई चाय पीने से, अदरक की चाय, इलायची वाली चाय, जैसे अक्सर ही होता है ना कि मौसम अच्छा हो गया और चाय पी ली और उससे एकदम से मूड अच्छा हो जाता है थोड़ा सा, वो चीज़ एक ख़ुद एहतियात की ही चीज़ है और उससे फ़र्क पड़ता है। तो इतनी छोटी सी चीज़ जिससे इतना अच्छा फ़र्क पड़े, अगर वो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर दें, तो उससे हमारी ज़हनी सेहत कहाँ पहुँचेगी, हम ज़्यादा अच्छा महसूस करना शुरू कर देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक सेटिस्फैक्शन है जिसको अपनाने से
हम अच्छा महसूस करते हैं। अगर देखा जाए कोई पसंदीदा कोई चीज़ सुनने की, जैसे कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोगों को क्या सुनना पसंद है? कुछ भी सुनना पसंद नहीं है जैसे हाँ बिल्कुल मौसीकी सुनने का होता है, कुछ लोग तिलावत कुरान सुनते हैं, कुछ लोग नातें सुनते हैं, और उससे उन लोगों को दिली सुकून भी मिलता है, उन लोगों को खुशी भी महसूस होती है, उन लोगों को अच्छा लगता है। उसी तरह वो लगा देना, वो सब करना। लेकिन अगर हम ख़ुद के ख्याल की बात करें तो उसमें आप उस चीज़ को किस तरह लेके आ सकते हैं जिससे हम अपने आप को अच्छा महसूस करें? तो जब आप कुछ लगाते हैं, सुनते हैं या चाय पीते हैं, उससे आपकी ज़हनी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई अगर कोई एग्जांपल शेयर करना चाहें आप लोग। बिल्कुल, और वो सब हमें अच्छा लगने लगता है, दिन अच्छा लगने लगता है कभी कभी कि अपनी मर्ज़ी की कोई एक चीज़ कर ली। तो क्या हम डेली लाइफ में ये करते हैं, कोई 15 मिनट क्या सिर्फ अपने लिए निकालते हैं? क्या आप लोग निकालते हैं? आप कुछ शेयर करना चाहेंगे कि आप लोग क्या करते हैं अपने लिए? बहुत अच्छी बात है, अरे ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये तो वही बात है कि खुद का ख्याल जो है उसकी शक्ल कुछ भी हो सकती है। वो हमें हमारे लिए, हमारी ज़हनी सेहत, हमारी जिस्मानी सेहत, हमारे एहसासात, जिस तरीके से वो हमें कर रहा है, हमें अच्छा महसूस करा रहा है, हमारे दिन में एक थोड़ा सा टाइम हमारे लिए निकल रहा है, उससे बहुत होता है। अच्छा, कभी नोटिस किया है आप लोगों ने कि कभी दिन में अपने लिए कुछ किया, कोई 15-20 मिनट निकाल लिए उस दिन? अच्छा चलो, 15-20 मिनट आपने अपने लिए कोई एक्टिविटी की, मज़ा आया आपको करके, पूरा दिन ऑटोमेटिकली लगता है कि हाँ खुद ही निकल गया। मतलब जैसे कि ज़्यादा जो चिड़चिड़ाहट जो नॉर्मली आ रही होती है जिन दिनों में, वो नहीं आती। या फिर कुछ अगर हो भी जाता है कि ये कर हो गया या ये काम करना पड़ेगा वो करेगा, तो चलो हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली लगता है कि सारी टेंशन जो है वो हमने हाँ रिलैक्स फील कर लेते हैं। और फिर ये कि हाँ जो भी होगा चलो देख लिया जाएगा, एक वो वाला माइंडसेट भी आ जाता है। तो ये चीज़ इतनी ज़रूरी है, और अक्सर हम इन चीज़ों को इन पे तवज्जो नहीं देते, क्योंकि हमारे जहन में ये होता है कि भाई दूसरों का ख्याल रखना है, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना है। और अक्सर ये होता है कि ये कर करके ही हमारे पास टाइम नहीं बचता अपने लिए कुछ निकालने का। और जब टाइम बचता भी है तो ये होता है कि चलो फेसबुक चेक कर लिया या कुछ वो कर लिया, तो फिर वो व्हाट्सएप देख लिया, तो फिर ये होता है कि तो अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। तो वही है कि अपने लिए चाहे वो कोई भी चीज़ हो, किताब पढ़ना, म्यूज़िक सुनना, अपनी पसंद की कोई चीज़ खाना। ये होता है कि हम दूसरों के लिए तो बनाते हैं या दूसरों के लिए मंगाते हैं, जब खुद का दिल चाहे कोई चीज़ खाने का कि बस गर्मा गर्म जलेबी खानी है अभी, तो बस अपने लिए खानी है, ठीक है, दूसरों का भी ख्याल रखा, दूसरों से भी पूछा, लेकिन ख़ुद को क्या चाहिए उस वक्त? ख़ुद को क्या चाहिए? जलेबी पसंद है या गुलाब जामुन पसंद है या चमचम पसंद है? बिल्कुल उसी का ही। लेकिन अपने लिए अगर एक जलेबी अगर आप मंगवा लें, फ़र्ज़ करें आपको जलेबी पसंद, तो अगर आपने वो एक जलेबी आपने अपने लिए मंगवा ली, बस अपने लिए कुछ किया बस, और उससे आपने कैसा महसूस किया? अपने लिए कुछ किया, बिल्कुल, बहुत छोटी सी चीज़, जैसी भी हो वो चीज़, बहुत छोटी सी, जो हम देख सकें, मैनेज भी कर सकें, और फिर साथ साथ अच्छा भी महसूस करें। लेकिन अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ये तो हमने देख लिया कि खुद एहतियात की चीज़ें हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि, और ये हम कर भी लेते हैं कि चलो अपने लिए वक्त निकाल लिया, लेकिन कभी कभी ये होता है कि जब ज़िंदगी में फील हो रहा होता है कि बहुत कुछ चल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी करना है, वो भी करना है, फलाना ढमाका सब करना है, लेकिन
जब एक ऐसा पॉइंट आए कि किसी से मदद ले लेनी चाहिए, तो क्या हम मदद लेते हैं? क्या हम किसी से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, या थोड़ा सा मेरा ये काम कर दो, या मेरा थोड़ा सा हाथ बांट दो, बटा दो? क्या हम ये करते हैं? क्या हम ये अपने आप पे? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको होते हैं कि अच्छा मुझे ये सारा काम करना है, लेकिन ये सब मैं खुद करूँगी, चाहे मैं किसी और से हेल्प ले सकूँ। क्या हम दूसरों से हेल्प लेते हैं, दूसरों से मदद लेते हैं? लेते हैं, हाँ सही बात है। तो ये कि कभी कभी दूसरों से मदद मांगना, जब हमें लगे कि हमें किसी, हमें ज़रूरत है, कभी कभी अपने एहसास का मतलब इजहार करना कि मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पा रहा, या मैं अच्छा नहीं महसूस कर रही, या मुझे गुस्सा आ रहा है, या मैं चिड़चिड़ी हो रही हूँ, या मुझे मैं उदास महसूस कर रही हूँ। इस तरह के जितने भी हमारे एहसासात हैं उनको भी वोकलाइज करना, उनका इजहार करना। कभी महसूस किया है कि जब हमने अपने एहसासात का ख्याल मतलब इजहार किया, उससे हमें उसके बाद कैसा महसूस हुआ? हल्का हो जाता है, बिल्कुल। और ये चीज़ भी खुद एहतियाती यानी सेल्फ केयर में आती है कि हम अपने आप को, अपने एहसासात का इजहार किस तरह कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो जिससे हम क्लोज फील करते हैं। लेकिन कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे काम करने होते हैं और हम नहीं कर पा रहे होते? ऐसा हुआ है कि कभी किसी ने आपको कहा कि ये कर लेना, तुम ये कर लेना, वो कर लेना, या वहाँ चली चलना, और आप बहुत थके हुए हैं, मतलब दर्द हो रहा है पूरे जिस्म में ऊपर से नीचे तक, और फिर आप ये होता चलो यार चल लेते हैं, मतलब अपने ऊपर आपको बहुत बहुत हिट किया है ये बात कि चलो चल लेते हैं, चलो अच्छा ये कर देती हूँ मैं। अपने आप पे आप उस मोमेंट में क्या कर रहे होते हैं? एक तरह का जुल्म होता है जब आप इतने थके हुए हैं, जब आप इतने थके हुए हों ऊपर से नीचे तक, बिल्कुल आपके अंदर इतनी सी भी हिम्मत ना हो कुछ करने की, बिल्कुल, और फिर आप वो कर दें, चलो कर तो दिया, उसके बाद जो चिड़चिड़ाहट होती है, बिल्कुल करना पड़ता है कभी कभी। तो हम उस चीज़ को सेल्फ केयर में ये नहीं होता कि चलो हमने हम क्या कर सकते हैं, ये भी अक्सर होता है कि हम क्या, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो नरमी से बहुत अच्छे लहजे में बहुत अच्छे तरीके से किसी को ये कहना कि मुझसे आज ये नहीं हो सकता, मेरी तबीयत ऐसी नहीं है, सिर्फ इतना सा अपने लिए कहना, अपने लिए एक छोटा सा स्टैंड लेना कि आज मुझसे ये नहीं हो सकता, कल या परसों जब भी हो सके। बिल्कुल कोई मजबूरी नहीं है, तो अगर हो सकता है दोबारा तो हो जाएगा। सिर्फ ये, कभी कभी हम ये फोकस करते हैं कि ये करना है, वो करना है, लेकिन ये भी तो देखना है कि क्या नहीं करना। अपने आप को इतना ज़्यादा अपने आप पे जुल्म नहीं करना कि वही जैसा आपने कहा कि चिड़चिड़ापन आ जाता है एकदम से, जब कर लेते हैं तो फिर समझ में आता है हेड क्यों किया, इतना बुरा लग रहा होता है। सिर्फ वो कि हमने चलो एक दफ़ा मना कर दिया कोई काम करने से, और फिर ख़ुद को हल्का महसूस किया, अपने लिए टाइम निकाला। उसी तरीके से मदद लेना, मना करना, अपने एहसासात का इजहार करना कि आज मैं ये नहीं कर सकती, या जो आपको चाहिए आपको उसका इजहार करना, और साथ साथ जैसे चिड़चिड़ापन वगैरह अगर कुछ हो जाए तो कितनी दफ़ा होता है कि हम खुली हवा में जाते हैं, कि हम निकल जाते हैं बाहर, बाहर निकलना अगर मुमकिन नहीं है तो बस खिड़की खोल के खड़े हो गए, या छत पर चले गए, या गैलरी में चले गए, सिर्फ उस आबो हवा में जाना, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है हमारी जहनी सेहत पे। वो जो जहनी दबाव होता है उसमें कमी आती है, और साथ साथ जो एक जिस्मानी प्रेशर भी हम महसूस कर रहे होते हैं, वो दबाव महसूस कर रहे हैं, अक्सर वो हमारी बॉडी में फ़ील हो रहा होता है। नोटिस किया है कब जब दबाव होता है तो कहाँ होता है बॉडी में? कंधों में, बिल्कुल कंधों, गर्दन, इधर बिल्कुल बिहाइंड द नेक, यहाँ पे भी होता है। तो इन जगहों पे हमें वो महसूस होता है, लेकिन जब हम अपने लिए वक्त निकालते हैं तो उस दर्द में कमी आती है। तो क्या जहनी और जिस्मानी सेहतें अलग हैं या जुड़ी हुई हैं? जुड़ी हुई हैं।
तो अगर हम अपनी ذہنی صحت کا اپنے احساسات کا خیال رکھیں گے اسی طرح ہمارے جسمانی جو ہم دباؤ محسوس ہوتا ہے اس پہ بھی اثر پڑے گا اور اس پہ بھی تھوڑا ہلکا پن محسوس ہوگا تو باہر نکل جانا کھڑکی میں جانا ہوا میں جانا اس کو کبھی کبھی چائے کے ساتھ لے جانا چائے پینا باہر شام کے وقت ہوتا ہے نا اچھا ہے تھوڑا کراچی کی گرمی تھوڑی کم بھی ہو گئی ہے شام کے وقت ذرا کھڑکی کھول کے چائے پی لی یا اپنی پسند کی جو بھی پینا ہے وہ پیا جو بھی کھانا ہے وہ کھایا لیکن صرف اپنے لیے دوسروں کا دیکھا لیکن اپنے لیے کیا کیا اسی طرح گارڈننگ کا ابھی آپ نے کہا تھا کہ آپ کو گارڈننگ کا شوق ہے بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے گارڈننگ کا اور اس سے ان کو بہت اچھا بھی محسوس ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے بڑی ہو رہی ہے آپ اس کا خیال رکھ رہے ہیں وہ ایک بہت اچھی فیلنگ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا اپنے لیے ٹائم نکالنا بس صرف آپ ہیں اور آپ کا پودا ہے اور بس دنیا گئی بھاڑ میں اس 15 منٹ کے لیے اور وہ بہت اچھی فیلنگ ہوتی ہے اس سے بہت اچھا ہلکا ایک ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ ہاں آپ کچھ کر رہے ہیں آپ نے اپنے لیے بھی وقت نکالا اس سے کچھ ہوا بھی اور آپ اچھا بھی محسوس کرتے ہیں جی ذہن بھی بڑھتا ہے بالکل صحیح کہا اسی طرح اپنے لیے ٹائم نکالا اور کبھی کبھی جیسے کہ آپ نے کہا کہ کرنا پڑتا ہے اگر کوئی ہمیں کہے کہ یہ کام کر دو یا کوئی تو ہمیں کرنا پڑتا ہے اور پھر ہم چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں اور ہم کچھ ہو سکتا ہے کبھی کبھی کچھ کہہ دیں یا کچھ ہو جائے کچھ ہم یہ سوچیں کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا ہمیں وہ فلانی چیز نہیں کہنی چاہیے تھی تو اس صورتحال میں اپنے آپ کو معاف کرنا بھی کبھی سنا ہے اپنے آپ کو معاف کرنے کا ایک کانسیپٹ کہ کرنا چاہیے کیا ہوتا ہے جیسے دوسروں کو منع کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہر بار ایسا ممکن نہیں ہوتا اگر ہم منع کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آگے جو رشتوں میں دوریاں آتی ہیں وہ پھر زیادہ مسئلے کریئیٹ کر دیتے ہیں تو وہ جو ہے پھر اس میں اپنے آپ کو معاف کرنا کہ نہیں ٹھیک ہے وہ ٹائم میرے لیے بہتر تھا وہ وقت گزر گیا میں نے یہ غلط کیا یا اس کو ضرورت کی آرام کی بالکل تو اس سچویشن میں یا کسی اور بھی سچویشن میں کہ اپنے آپ کو معاف کرنا ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم نے شاید بڑے ہوتے ہوئے نہیں سنی تھی ہم ہمیشہ یہ سنتے تھے کہ کوئی ہمیں معاف کرے گا یا ہم دوسروں کو معاف کریں گے لیکن یہ کتنی عجیب سی بات ہے ہمیں بہت دفعہ پچھتاوا ہوتا ہے جب ہم دوسروں کے لیے کچھ کر نہیں پاتے یا کسی اور کے لیے کچھ نہیں کر پاتے یا جنرلی ہم کچھ نہیں کر پاتے یا کچھ کہہ نہیں پاتے یا کچھ اور کہہ دیا یا کچھ کہہ دیا تو پچھتاوا ہوگا اس سچویشن میں اپنے آپ کو معاف کرنا بھی ایک بہت ضروری چیز ہے اپنی خود احتیاطی کے لیے کہ ہاں ٹھیک ہے جو ہوا کہ ہم انسان ہیں ہمیں ہمارے ٹائم کی ضرورت ہے اگر آج ہم نے یہ کام نہیں کیا یا پچھتاوا ہو رہا ہے کہ فلانے کو نہیں دیکھا یہ کام نہیں کیا تو اس سچویشن میں ٹھیک ہے میں بھی انسان ہوں مجھ سے کتنا ہوگا اور اس سچویشن میں اپنے آپ کو معاف کرنا کہ میری اتنی ایک کیپیسٹی ہے کہ مجھ سے اتنا ہی ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا جب میں تھوڑا آرام کر لوں گی تو پھر میں یہ کام دوبارہ کر لوں گی لیکن جب تک کے لیے اس وقت تک کے لیے وہ جو ایک پچھتاوا آ جاتا ہے اس کو تھوڑا سائڈ پہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو معاف کرنا ضروری ہے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں اچھا ابھی ہم نے چائے کی بات کی تھی تو چائے ایک بہت کامن سی چیز ہے جو کہ ہم صبح شام پی رہے ہوتے ہیں لیکن کیا ہم کبھی چائے کو سونگھتے ہیں کہ جب گرم گرم چائے آتی ہے پلیٹ میں ہاں جب آتی ہے تو کتنا اچھا محسوس ہوتا ہے نا جب کچن میں بن رہی ہوتی ہے پورے گھر میں اس کی مہک اٹھتی ہے جب وہ آتی ہے گرم گرم آپ کے پاس آپ کی پیالی میں اور اس کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے یا اس کے اندر کچھ ڈلا ہوا ہوتا ہے
तो वो कितनी अच्छी एक फीलिंग आती है। तो सेल्फ केयर या खुद एहतियाती से ये भी मुराद है कि एक छोटी सी चीज़ कि आपने कुछ सूंघ भी लिया, सिर्फ इतना सा कि अगर आपको चाय सूंघनी है, आपको दालचीनी सूंघनी है, लौंग, आपको इलायची, जिस जिनकी खुशबू से आपको आपको अच्छी लगती हो, या अपना कोई पसंदीदा परफ्यूम सूंघ लिया, या कोई पसंदीदा फूल सूंघ लिया जिनकी खुशबूएं आपको अच्छी लगती हैं, वो इतनी छोटी सी भी चीज़ हो सकती है जो कि जिससे आपको अच्छा महसूस हो। उसी के साथ चाय, ज़रूरी नहीं है कि चलो चाय के साथ, अगर कभी हुआ कि मौसम अच्छा है वो, तो हम अक्सर ये होता है कि चाय लेके बाहर चले जाते हैं, वो भी करना रोज़मर्रा पे। वो जो चीज़ें हम समझते हैं कि वो सीज़नल चीज़ें हैं, उनको हम डेली बेसिस पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर लेके आएँ तो उससे भी एक अपना मज़ा उसका होता है। अखबार पढ़ना, या अगर आपको कोई इस तरह का कोई डाइजेस्ट है, ये रोज़ सुबह एक पेज पढ़ लिया उसका, इस सोच के साथ कि ये मेरा टाइम है, बस इस वक्त सिर्फ मैं और मेरा अखबार या मेरी चाय या कुछ भी। अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है तो कोई पौधा सूंघ लिया, कोई फूल सूंघ लिया, कड़ी पत्ते के फैनों को देखा, वो पहले उसको एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और फिर उसके बाद कड़ी पत्ते को डालते हैं, वो भी एक बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन उसका भी अपना मज़ा है। उसी तरह घर में अगर बच्चे हैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर लिया, या फिर कोई एक्टिविटी कर ली। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पेंटिंग करते हैं, जो कि क्राफ्टिंग करते हैं, वो एक होता है कि ये तो बच्चों का काम है, लेकिन फिर जब खुद करने बैठो तो कितना मज़ा आता है। एक एक जब वो पेपर पे निकल रही होती है, चाहे जो भी हो, उससे कितना सुकून मिलता है, उससे कितना अच्छा महसूस होता है। और ये कि ज़रूरी नहीं कि वो कोई इसी तरह की एक्टिविटी हो कि वो कलर्स हों या पेंटिंग हो, वो कोई ऐसी भी चीज़ हो सकती है जैसे सिलाई। जैसे बहुत सारे लोग कढ़ाई करते हैं, बहुत सारे लोग क्रोशिया का काम करते हैं, और उससे उनको बहुत अच्छा महसूस होता है। वो खुद ही कोई चीज़ बनाते हैं, वो बिल्कुल उसमें शामिल हो जाते हैं उस एक्टिविटी में, और उनको बस अच्छा महसूस होता है। क्या आपकी जो होती है ना, जैसे बच्चों की किसी को पेंटिंग का शौक होता है, किसी को बड़ों बच्चों को किसी को सिलाई का शौक होता है, ये तो एक कुदरती हमारे होता है अंदर से जो निकल हाँ। और अगर नहीं भी है, अगर एक फितरती अमल नहीं भी है, और अगर आपको पसंद है तो वो भी, मतलब ये नहीं है कि कौन कितना अच्छा है या कौन किसको कितना अच्छा आता है, बस आपको कितना अच्छा महसूस होता है, वो वाली चीज़ है ये। टाइम अच्छा पास हो रहा है आपका, आपकी ज़हनी सेहत के लिए अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है, और वो करने के बाद आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, वो वाली कैफियत उस पे। और आप लोगों की ज़िंदगियों में ऐसा कोई एक्टिविटी है जिसका, जो पेंटिंग या क्रोशिया या सिलाई कढ़ाई, इससे कोई लिंक हो उसका? सिलाई करती हैं लेकिन उससे कितना अच्छा आपको महसूस होता था? ये होता है जब खुद के लिए करो, शौक़ से करने के लिए बैठो तो बहुत अच्छी होती है। ये बिल्कुल आपने सही कहा। तो ऐसा क्यों होता है आपके ख्याल में कि जब मूड अच्छा हो, जब मूड से करो तो फिर बहुत अच्छी निकलती है? बिल्कुल। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया। हम अब जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे तवज्जो की, यानी कि माइंडफुलनेस। क्योंकि अभी जैसे आपने कहा ना कि जब आप करने बैठें तो कभी बहुत अच्छी निकलती है, जब मूड में हो तो हो, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमारे जहनों में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, और वो अक्सर जो होती हैं वो इस तरह की बातें होती हैं जिससे हमारे मूड का पे बहुत बुरा असर पड़ता है, जो हम उल्टा बिल्कुल बिल्कुल कुछ हाँ वो सही बात है भाई, हम कराची में रहते हैं, हमारे जहन में कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा मुस्तकिल, हम कहाँ रह रहे हैं, हमारे हालात क्या हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे जहन बिल्कुल खाली हो या हमारे जहन में कुछ चल ना रहा हो। बिल्कुल, मैं उससे बिल्कुल अग्री करती हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी ज़िंदगी में कोई टेंशन ना हो। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी ज़िंदगी में कोई मसले ना चल रहे हों। मसले आते जाते रहते हैं, वो ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन जब हम अपनी मर्ज़ी का कोई काम करने बैठे, अगर हम सेल्फ़ केयर या ख़ुद एहतियाती की बात कर रहे हैं,
तो अगर हम उसको माइंडफुलनेस या तवज्जा के साथ नहीं करें तो वो सिर्फ एक काम है, चाय पीना नाश्ता है सुबह का शाम का, लेकिन अगर हम उसको माइंडफुलनेस यानी तवज्जा के साथ कर रहे हैं तो फिर वो खुद एहतियात का के दायरे में आ जाता है। तो जो काम हम कर रहे हैं खुद के लिए वो तवज्जा से हो। अगर हम देखें कितनी दफ़ा अगर हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि सिलाई कढ़ाई करने बैठे और क्या बातें आ गई दिमाग में, उसने ये कहा था या मैंने अभी तक ये काम नहीं किया या मुझे कल वहाँ जाना है तो अभी मुझे खाना पकाना है, ये सारी बातें आ रही हैं दिमाग में, खिचड़ी पक गई है। और उसी तरीके से हम जो हैं वो सिलाई कर रहे हैं, वो जो दिमाग की खिचड़ी है वो तो हमारी सिलाई में आएगी, तो वो आपका और सिलाई के साथ जो आपका जो सिलाई के साथ ताल्लुक है उसके बीच आ गई। आपने क्या उस सिचुएशन में सिलाई को इंजॉय किया, मज़ा आया? इतना नहीं कर सकते। तो उस दौरान क्योंकि अक्सर ये होता है या तो हम आगे के बारे में सोच रहे होते हैं या फिर हम गुजरे हुए कल के बारे में सोच रहे होते हैं, या तो आने वाला कल या फिर गुजरा हुआ कल, अक्सर यही होता है। लेकिन उस वक्त जब आप उस काम में हैं, जब आप वो सिलाई कर रहे हैं या गार्डनिंग कर रहे हैं या जो भी काम है, या चाय भी पी रहे हैं या फिर एक कड़ी पत्ता सूंघ रहे हैं, वो करते वक्त आपके जहन में अभी है, गुजरा हुआ कल है या आने वाला कल है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो माइंडफुलनेस यानी कि तवज्जा वो बहुत ज़रूरी है ख़ुद एहतियात के लिए, कि जब आप वो जो भी काम आपके ख़ुद एहतियात का हो, जो जब भी वो आप कर रहे हों वो आप अभी आज और अभी में रह के कर रहे हों, गुजरे हुए कल या आने वाले कल की बात सोचते हुए नहीं, वरना फिर वो कोई भी काम है बस। कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपने काम शुरू किया और आप उसमें इतने खो गए बिल्कुल, और उसमें आपको मज़ा भी आ रहा है, आपका काम भी बहुत अच्छा हो रहा है, जैसे सिलाई करते हुए खो गए उस सिलाई में, मतलब बातों में नहीं खोए उस सिलाई में खोए, आपको मज़ा भी आ रहा है आपको, जबकि कुछ काम होते हैं जिससे बहुत लग के बैठना पड़ता है और उसमें फ़ील भी नहीं होता कि हाय हम बहुत टाइम से बैठे हैं, वरना तो फ़ौरन से पता चल जाता है अच्छा कमर में दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है, लेकिन जब कोई अपनी मर्जी का काम कर रहे हो तो सब भूल जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन जब अपनी खुशी से कर रहे हो तो फिर फर्क भी नहीं पड़ता, याद भी नहीं रहता कि अच्छा यहाँ पे दर्द हो रहा है, ऐसे नहीं बैठना था, ये नहीं करना था, लेकिन जब कुछ गुस्से में या किसी और बात को सोचते हुए करेंगे तो सब महसूस हो रहा होता है, अच्छा यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो ये है तवज्जा का असर हमारी खुद एहतियात पे। दिन के 15 मिनट, थोड़ा सा बस 15 मिनट निकालें अपने काम के लिए, जो आपको पसंदीदा आपका काम हो, चाहे वो चाय पीना हो, अखबार पढ़ना हो, सिलाई हो, पेंटिंग हो, जो भी हो, खाना पकाना हो बेशक, अगर खाना पकाने से आपको रिलैक्स फील होता है तो अगर वो खाना पकाना क्यों ना हो, लेकिन उसमें सिर्फ आप हैं और जो काम आप कर रहे हैं वो है, और आपके जहन में कोई कल की बातें, गुजरे हुए कल की बातें या आने वाले कल की बातें नहीं है, आप उस पल में हैं आज और अभी में हैं, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है अक्सर, क्योंकि ज़ाहिर ज़िंदगी है, बातें आती रहती हैं दिमाग में और हम उसमें उलझ जाते हैं, फिर हम उस काम पर तवज्जो नहीं दे पाते। तो हम उस काम पे तवज्जा कैसे दे सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, क्योंकि वही बात आ गई कि अगर हम खुद पे तवज्जा नहीं देंगे या ख़ुद के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो वो सारी चीज़ें जो है वो चिड़चिड़ाहट में, अभी आपने कहा था कि चिड़चिड़ाहट में आ जाएगी, तो वो चिड़चिड़ाहट अक्सर कहाँ निकलती है, बच्चों पे। और बच्चे जो हैं वो इन चीज़ों का बहुत जल्दी असर लेते हैं, ज़ाहिर हम यहाँ पे भी निकल जाते हैं बिल्कुल, लेकिन हमारा फोकस आज जो है वो बच्चे हैं,
क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपने आप को बच्चे ही होते हैं ना उस टाइम, तो बच्चे ही होते हैं बिल्कुल, उस टाइम पे जब चिड़चिड़ाहट आती है तब सामने कौन होता है, बच्चे, और वो किस पे निकलता है, और बच्चों पे, बिल्कुल। तो जो सामने हुआ उस पे चिड़चिड़ाहट निकल गई, लेकिन अभी अगर हम बच्चों के बारे में बात करें, कैसे अपने आप पे, ये भी होता है, एक टाइम में खाना दो दो आदमियों का खा लेती हूं टाइम में, वही बात आ गई ना, खुद को माफ करना, चिड़चिड़ाहट खुद को माफ नहीं करा डबल खा लिया, यहाँ पे वही तो है, खुद को माफ करना भी जरूरी है, चिड़चिड़ाहट खुद पे भी निकलती है, गुस्सा खुद पे भी आता है, दूसरों पे भी आता है, तो इस सिचुएशन में खुद को माफ करना भी बहुत ज्यादा अहम है। जब हम खुद को माफ करने को खुद एहतियाती के दायरे में लेके आते हैं, लेकिन वही बात है कि अगर हमने बच्चों पे निकाल दिया, चिड़चिड़ाहट बच्चों पे निकल गई, तो फिर क्या होगा, बच्चे उस चीज को जज्बाती मुतासर होंगे बिल्कुल, और फिर वो चीजें बच्चों के अंदर निकल के नजर आएंगे हमें, कि बच्चे किस तरह, अक्सर हमें ये नजर आ रहा था कि बच्चे जो हैं वो गुस्सा कर रहे होते हैं, या फिर हम कहते हैं कि वो बदतमीजी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो ये उनको उनमें भी नजर आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए खुद का ख्याल रखना जरूरी है, अगर खुद का ख्याल नहीं रखा तो फिर समझें किसी और का ख्याल नहीं रख सकते। तो खुद एहतियाती अगर हम कर रहे हैं तो वो तवज्जो के साथ ही होगा, वरना फिर वो कोई भी काम होगा। और तवज्जो को हम किस तरीके से लेके आ सकते हैं अपने उस छोटे से काम में, उन 15 मिनट में, वो इन चीज़ों से हो सकता है, जैसे कि गहरी सांस लेना। हम सोचते भी नहीं हैं हम सांस ले रहे होते हैं, जाहिर सी बात है हम जिंदा हैं, हम सांस ले रहे हैं, लेकिन कभी एक गहरी सांस लेके देखें कि कितना अच्छा महसूस होता है। ली गहरी सांस, बिल्कुल, और फिर आहिस्ता से उसको मुंह से निकाला, बहुत फर्क पड़ता है। गहरी सांस लेना उस दौरान जब आप कोई अपनी मर्जी का काम करना चाह रहे हो, अपने लिए करना चाह रहे हो, खुद एहतियाती के लिए, उससे बिल्कुल ब्रीदिंग, बहुत ब्रीदिंग से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी सिचुएशन में ब्रीदिंग से बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि हम उस वक्त अपने आप को, जो भी हमारे सर पे टेंशन सवार होती है, हम उसको अपने आप को अभी में लेके आ रहे होते हैं, और वही हमारा असल मकसद है कि अपने आप को अभी में लेके आना, अभी में लेके आना, ताकि हम उस पल को इन्जॉय कर सकें और अपना ख्याल रख सकें। सांस लेना, साथ में जो हमारे 5 सेंसेस हैं, हमारे हवास हैं, कितनी दफ़ा हम बस गुजर रहे हैं अपनी ज़िंदगियों में और हम नहीं फोकस करते कि अच्छा हम देख भी सकते हैं, हम सुन भी रहे हैं, हम सब कुछ हो रहा है, और उन कभी कभी कितनी अजीब सी एक फीलिंग होती है कि कभी कभी जैसे होता है कि आपने अपने पैर जो हैं वो ज़मीन पे रखे, जैसे अभी मैंने आपको देखा कि पैर जो हैं वो ज़मीन पे रखे, कैसा महसूस किया आपने? बिल्कुल, ये सारी चीज़ें जो कि हमारे पास ऑलरेडी हैं, इनका फ़ायदा हम बहुत अच्छे से ले सकते हैं, हम उसको फील करें, फील करें। जैसे एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, जैसे जब भी आप अपना कोई खुद एहतियाती का काम करें, या वैसे भी आपको कोई टेंशन हो या आप अच्छा महसूस ना कर रहे हों, अपने आप को अभी में लेके आना चाह रहे हों, तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं, खुद से पूछें, ऐसी क्या 5 चीज़ें हैं जो इस वक्त मैं देख सकती हूँ? आप लोग खुद सोचें अपने एनवायरनमेंट में, बताइए मत बेशक, लेकिन अपने जहन में सोचें, ऐसी क्या 5 चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं इस वक्त आपके इर्द गिर्द, अपने आप को अभी में लेके आने के लिए, हाल में, बिल्कुल, कि ऐसी क्या 5 चीज़ें हैं जो आप अभी नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं अपनी इस आँखों का फ़ायदा उठा के। 4 चीज़ें जो आप छू सकते हैं, कोई ठंडी चीज़ पैरों से ऐसे फील कर ली, या कोई हाथ में कोई जो भी चीज़ है उसको महसूस की,
किसी और अच्छी चीज़, किसी ठंडी चीज़, जो भी रिलैक्सिंग चीज़ है उसको देखा, टच किया। तीन चीज़ें जो आप सुन सकते हैं, किसकी आवाज़ आ रही है इस वक्त, कपड़ों की, किसी और चीज़ की बाहर से। दो चीज़ें जो आप सुन सकते हैं उस मोमेंट में, उस पल में, जिस पल में आप हैं, किस चीज़ की आपको खुशबू आ रही है या कोई और सेंट आ रही है। हाँ बिल्कुल, जैसे हमारी आँखें, हमारे कान, हमारा सेंस ऑफ टच, हम जो सूंघ सकते हैं, हमारा नोज़, और जिस चीज़ को फिर हम आखिर में एक चीज़ जो हम टेस्ट कर सकते हैं। बस उस वक्त हम क्या सुन सकते हैं, हम क्या देख सकते हैं, हम क्या सूंघ सकते हैं, हम क्या टच कर सकते हैं और हम क्या टेस्ट कर सकते हैं, ताकि हम अपने आप को उस गुजरे हुए कल या आने वाले कल से निकाल के हाल में, अभी में लेके आए, उस पल में लेके आए जिस पल में आप होना चाहते हैं, ताकि आप जो भी काम करें बिल्कुल उसको थोड़ा सा उस पल के लिए, जिस पल में आप अपनी एहतियात करना चाह रहे हैं उसमें, या आप इंजॉय करना चाह रहे हैं, उससे अलग होके सांसें लेके जी, ताकि हम उस हाल में आए जिस हाल में आप, जो हाल आप इंजॉय करना चाहते हैं, चाहे वो चाय पीना हुआ, या वो अखबार पढ़ना हुआ, कोई डाइजेस्ट करना हुआ, कुछ सुनना हुआ, ड्राइविंग पे निकल गए, आप उसको इंजॉय करना चाहते हैं, तो अपने आप को उन गुजरे हुए कल या आने वाले कल की झंझटों से उस मोमेंट के लिए छुटकारा पाने के लिए इस चीज़ पे गौर व फिक्र करें कि आप क्या देख सकते हैं, क्या सुन सकते हैं, क्या सूंघ सकते हैं, क्या टेस्ट कर सकते हैं और क्या महसूस कर सकते हैं, ताकि आप अपने आप को उधर उस जगह पे लेके आए। उससे तवज्जा जो है बढ़ जाती है, माइंडफुलनेस बढ़ जाती है, और जो हम काम करना चाह रहे होते हैं अपना ख्याल रखने के लिए, उसमें हम शामिल हो सकते हैं। उसी तरीके से कि ये भी बहुत ज़्यादा अक्सर दफ़ा होता है कि हमने कभी किसी से पूछा कि कैसे हो या कैसा महसूस करो, तो अक्सर कभी नोटिस किया है कि हम लोग जो हैं वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं बनिस्बत अपने एहसासात का, कि अच्छा कैसी हो, मैं हाँ मुझे ये काम करना है अभी, कुछ इस तरह करके, अच्छी हो, ठीक हो, कैसा महसूस कर रही हो, उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि हम कभी कभी अपने एहसासात और अपने ख्यालात को मर्ज कर देते हैं, अच्छा ये हुआ, लेकिन उनको अलग करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, ख़ुद का ख्याल करने के लिए, ख़ुद की तवज्जो देने के लिए, ये हुआ, ये मेरा ख्याल है कि आज घर में बहुत शोर था, आज बहुत ज़्यादा ये ऊपर वाले जो हैं उनका कोई लड़ाई हो गई थी, कुछ इस तरह की बात हुई, जो भी हुआ उसने मेरे बारे में ये कहा, ये सारा जो है वो एक ख्याल है, वो एक फैक्ट है, वो हुआ, और फिर मैंने उसमें महसूस कैसा किया कि अच्छा ये हुआ, फिर मैंने उसको महसूस कैसे किया, मेरे एहसासात क्या हैं, मैंने उसके बारे में क्या महसूस किया, मेरी फीलिंग्स क्या हैं उस बारे में, और फिर उसका इजहार कर देना। बिल्कुल, किस से इजहार कर सकते हैं आप, कोई एक शख्स जो भी आपका करीब करीब हो, बिल्कुल, कभी कभी ये भी होता है, और बहुत अच्छा पॉइंट है इसके, आपने कभी कभी ये होता है कि हम अल्लाह से इजहार करने के लिए बैठते हैं और हम लोग खो जाते हैं अपने कामों में, कि नमाज़ पढ़ रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं अच्छा ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और वो हो रहा होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब चल रहा होता है, लेकिन रुकू में जा रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, सारे नवाफिल भी हो रहे हैं, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है, काम चल रहे हैं, ये करना है, वो करना है, मतलब अल्लाह में अभी सोचेंगे क्या, तो ये वाली चीज़ भी होती है। तो अगर हम किसी से एहसास भी अपने एहसासात का इजहार भी कर रहे हैं, तो क्या हम उस पल में हैं या नहीं है, तो अपने आप को उधर लेके आना, अपने एहसासात के बारे में, अपने ख्यालात, अपने एहसासात का इजहार करना,
चाहे वो अल्लाह से हो, किसी करीब तरीन से हो, जिससे भी हो, लेकिन अपनी जो हल्कापन है उसको महसूस करना, वो सब एक बहुत, कभी कभी ये होता है कि जब हम दुआ मांगने बैठते हैं और जब बहुत जैसे होता है ना, दिल से दुआ कर रहे होते हैं, जब हम बिल्कुल उसमें हैं, जब वो दुआ करके हम नमाज जानमाज उठाते हैं, बहुत हल्का महसूस होता है, सब कुछ कह दिया बिल्कुल। और वो कितनी बड़ी बात होती है, क्योंकि हम उस वक्त थे, वरना हम नमाज में कैसे होते हैं, बस हाँ मुँह से निकल रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा जी, बिल्कुल बिल्कुल। और वही बात हम आज इसी तरह करें, हम दिल और जिस्म की ही बात कर रहे हैं कि हम अपने एहसासात का ख्याल रखेंगे, अपना खुद का ख्याल रखेंगे, तो वही चीज़ जो है वो हमारी जिस्मानी ज़हनी हर सेहत पे नज़र आएगा। तो बस वही बात है। उसी के साथ फिर हम मूवमेंट के, हम कितना अपने आप को, जैसे अक्सर ये होता है कि कभी एक जगह पे बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा हो गया है, निकलना है वहाँ से, थोड़ा सा उठ लिए, थोड़ा चल फिर लिए, ये चलो भाई एक कमरे से उठ के दूसरे कमरे चले गए, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। कि ये होता है कि हम अपने आप को हाल में लेके आना चाह रहे हैं, हम कोई काम करना चाह रहे हैं, इधर नहीं हो पा रहा, तो थोड़ा सा है कि एक एनर्जी है जो कि फंसी हुई है उस, और फिर उससे बहुत ज़्यादा वो भी फील होता है। कभी कभी ये होता है ना कि बस ऐसे होते हैं और पैर हिल रहा है, हाथ हिल रहे हैं, कुछ हो रहा है, फोकस नहीं कर पा रहे, कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन बस मुस्तकिल कुछ ना कुछ, कुछ हिल रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ शेक हो रहा है। वो अक्सर ये होता है कि जो भी बॉडी के अंदर एनर्जी होती है वो अंदर ही फंसी हुई होती है, और उसको निकालने के लिए हम थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ी वॉक कर सकते हैं, ताकि हम जो भी हमारी एनर्जी है थोड़ी सी वो भी एनर्जी निकले और हम उस हाल में आए जिस हाल में हम जाना चाहते हैं, और अल्टीमेटली जो काम हम करना चाहते हैं वो काम हो जाता है। तो खुद एहतियात, खुद की एहतियात करना हो जाती है, लेकिन तवज्जा के साथ करना वो थोड़ा सा मुश्किल है। कहने को तो सब चाय भी पी लेते हैं, एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, पेंटिंग भी करते हैं, किताबें भी पढ़ते हैं, जी बेहतर हो जाती है। तो अपने माइंड को उस थोड़े से हिस्से के लिए, उस 5 या 10 या 15 मिनट के लिए अगर हम माइंड को फ्री कर सकते हैं, तो हम जो भी काम कर रहे हैं हम उसको ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। और इन सबसे क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे लिए क्या होगा, हम पहले से बेहतर हो जाएंगे, हम अच्छा महसूस करने लगेंगे, हम अगर रोज़ अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, हम अपना ख्याल रख रहे हैं, अगर हम अपना ख्याल रख रहे हैं और ख़ुद अच्छा महसूस कर रहे हैं तो हम दूसरों का भी ठीक से ख्याल रख सकेंगे। और दूसरों में हमारे बच्चे शामिल हैं जिनको ज़रूरत होती है हमारी, और उनको हमारी मुकम्मल, जिसे कहते हैं मुकम्मल तवज्जा की ज़रूरत होती है, और वो तवज्जा हम उन्हें उसी वक्त दे पाएंगे जब हम खुद अपने आप को थोड़ी सी तवज्जा, बेशक 15 मिनट की हो, उस वक्त अपना ख्याल रखेंगे उस तवज्जा के साथ, तो फिर दूसरों को भी ज़्यादा तवज्जा दे सकेंगे। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब अपना ख्याल रखें, आप लोग अपना ख्याल रखें, ताकि आप दूसरों का ख्याल रख सकें और ख़ुद भी अच्छा महसूस करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। अपने आप को भी अच्छा रखना भी बहुत ज़रूरी है, अपने आप का अच्छा महसूस करना, अपने बारे में अच्छा महसूस करना, ये सब शायद कभी कोई सिखाता ही नहीं ना हमें, लेकिन अब हम अपना ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कोई अगर कोई सवाल हो या कोई फीडबैक हो, कभी कभी बहुत सारे एहसास आते हैं, बहुत सारी फीलिंग्स आती हैं, लेकिन वही बात है कि वो उन फीलिंग्स के बाद हम कैसा महसूस करते हैं, थोड़ा डाउन फील करते हैं,
तो उस वक्त अपना ख्याल रखना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि चलो अब एक अपने आप को ब्रेक देने की ज़रूरत है अपने लिए, अपने टाइम के लिए, ताकि हम थोड़ा अच्छा फील करें, वरना फिर दूसरे जो हैं वो और बच्चे वगैरह वो फिर एक सेंस कर लेते हैं कि अच्छा कुछ है, कुछ चल रहा है, और वो उस चीज़ को जज्ब भी कर लेते हैं, जो कि हम नहीं चाहते. हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छा महसूस करें, तो हमें अपने आप को भी अच्छा महसूस कराना बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही बात है ना, चिड़चिड़ाहट वगैरह आ जाती है.